गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, हमारी कंप्यूटर की क्लास है। कल की कंप्यूटर की क्लास में हमने बैक एक्सरसाइज की थी चैप्टर वन की, उसमें हमने एमसीक्यू किए थे। आज हम ट्रू एंड फॉल्स करेंगे। देखो बी पार्ट में क्या है, टिक फॉर ट्रू स्टेटमेंट एंड क्रॉस फॉर फॉल्स स्टेटमेंट। जो ट्रू स्टेटमेंट है सही स्टेटमेंट है उस पर हमने टिक करनी है, जो फॉल्स स्टेटमेंट है गलत स्टेटमेंट है उस पर हमने क्रॉस का साइन लगाना है। फर्स्ट देखो क्या है, कंप्यूटर्स हैव बिकम एन इम्पोर्टेंट पार्ट ऑफ अवर डेली लाइफ। क्या कंप्यूटर हमारे दैनिक जीवन का महत्वपूर्ण हिस्सा बन गया है? यस, बन गया है। हमारे डेली लाइफ का क्या है, इम्पोर्टेंट पार्ट है कंप्यूटर, इसलिए हम यहाँ पर टिक का साइन लगाएंगे। इट मीन्स ट्रू। अ कंप्यूटर वर्क्स ऑन इट्स ओन। क्या कंप्यूटर अपने आप काम कर सकता है? यस या नो? नहीं कर सकता, क्योंकि हमें इसको इंस्ट्रक्शंस देने की नीड होती है, इसलिए यहाँ पर फॉल्स आ जाएगा, क्रॉस का साइन। थर्ड, डेस्कटॉप्स कैन बी कैरिड अलोंग इजिली। मैंने बताया था डेस्कटॉप कंप्यूटर किस पे रखे जाते हैं, डेस्क पे रखे जाते हैं। उन्हें इजिली हम एक जगह से दूसरी जगह पे कैरी नहीं कर सकते, नहीं लेके जा सकते, इसलिए यहाँ पर फॉल्स आएगा। तो हम किसका सिंबल लगाएंगे, क्रॉस का। फोर्थ इज, वी कैन वर्क ऑन लैपटॉप एनीवेयर। क्या हम लैपटॉप पर कहीं पे भी काम कर सकते हैं? यस और नो? यस, हम कहीं पर भी बैठकर लैपटॉप कंप्यूटर पर काम कर सकते हैं। इट मीन्स ट्रू। फिफ्थ इज, अ प्लम टॉप कैन फिट ऑन योर अवर प्लम। यस और नो? यस, जैसे कि एक फोन को हम अपनी हथेली पर फिट कर सकते हैं। देखो जैसे मैंने अपना फोन यहाँ पर हथेली पर पकड़ा हुआ, ये फिट है ना मेरे हैंड पर, ऐसे ही प्लम टॉप हम अपनी हथेली पर रख सकते हैं। इट मीन्स ट्रू। आप अच्छे से सारी स्टेटमेंट्स को रिवाइज करना। थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे।